एक बार मैं कहीं गया था तो कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, कृष्णा हम अमीर कैसे बने, खूब सारे पैसे कैसे कमाएं। मैंने उनसे ही सवाल पूछा, आप बताएं कि आपको क्या लगता है अमीर कैसे बना जाता है, खूब सारे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। उन्होंने कहा हार्ड वर्क। मैंने कहा ठीक है, अब सही जा रहे हैं और बताइए। उन्होंने बोला और क्या तरीका है, मेहनत का और कोई अल्टरनेट होता ही नहीं है। मैंने कहा यदि सिर्फ हार्डवर्क से पैसे बन जाते ना और अमीर आदमी हो जाता तो सबसे पहले अमीर तो मजदूर होते, जो कितनी भी विकृत परिस्थिति हो, बहुत ठंड या बहुत गर्मी हो, मेहनत करने से पीछे कभी नहीं हटता। वो रिक्शे वाला सबसे अमीर होता, जो आपने रिक्शे में पीछे दो तीन लोगों को बिठा करके खींचने की किलोमीटर्स में हिम्मत रखता है। वो लोग अमीर नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ हार्डवर्क अमीर होने का सॉल्यूशन तो नहीं है, कुछ और ऐसा है जिसकी वजह से आदमी अमीर बनता है। वो चीज है व्हाई, क्यों आपको अमीर क्यों बनना है। अगर आपके पास रीजन नहीं है कि आपको पैसे क्यों कमाने हैं, अमीर क्यों बनना है, कितने भी पैसे कमाने हो वो बहुत मैटर नहीं करता, मैटर करता है क्यों कमाने हैं। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, अपने आप से पूछना है। लोग तो अपने आप से चीटिंग कर लेते हैं, अपने आप को झूठ बोल लेते हैं, अपना एक रेजोल्यूशन बनाते हैं और उसको ठीक से पूरा भी नहीं करते और रोज अपने आप को झूठ बोलते हैं कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। कुछ मिनट्स पढ़ के अपने आप को कहते हैं कि मैंने बहुत पढ़ाई की। अपने आप से पहला काम तो झूठ बोलना बंद कीजिए और इस वाई को ढूंढना शुरू कीजिए, क्यों क्यों पैसे कमाने हैं, समाज कल्याण करना है, हो सकता है एक रीजन हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, यह भी एक रीजन है। बहुत सारे रीजन व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं और होते भी हैं। उसके बाद ढूंढिए हाउ, कैसे, क्यों। जब तक आपको नहीं पता तब तक कैसे ढूंढेंगे तो सवाल नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा आपके सवालों का। क्यों चाहिए और कैसे चाहिए, ये कोर है पैसा कमाने का। विजुअलाइज करना पड़ेगा, गोल सेटिंग करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, मगर साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्यों चाहिए, तब आप जान पाएंगे कैसे कमाएंगे ढेर सारा पैसा। आज का एक जनरेशन जो है, जो मैं करंट जनरेशन को देख रहा हूं, जो लोगों को देख रहा हूं, मैंने आज अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। और मैंने अपने अगर पेरेंट्स से पूछता हूं तो भी बोलते हैं हमने भी ये जनरेशन, ऐसा जनरेशन कभी नहीं देखा। यह लगता है 200-300 साल के बाद इस तरह का जनरेशन आया है जो कि बिजी है, बहुत बिजी, इतना बिजी जनरेशन कि इनके पास कोई भी प्रोडक्टिव क्रिएटिव न्यू काम करने का फुर्सत ही नहीं, करना ही नहीं चाहते, या करने का मौका भी मिले तो अपने में आपको इतना बिजी बना रखा है इन लोगों ने कि कुछ कर ही नहीं पाते हैं। बिजी एक ऐसा शब्द है, ऐसा लगता है कि सम्मान सूचक हो गया है, बिजी विदाउट बिजी। लोग ढूंढते रहते हैं रीजन कैसे बिजी रहे, वो इंटरनेट पर ढूंढते रहते हैं, म्यूजिक सुनते हुए, डांस देखते हुए, कॉमेडी चीजें देखते हुए, मगर उससे भी फुर्सत मिल जाए तो टीवी देखना शुरू कर देते हैं। टीवी में ऐसी ऐसी चीजें देख रहे होते हैं जिसका उनके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको डिस्टर्ब कर रहा होता है वो। नहीं तो न्यूज देखते रहते हैं, न्यूज देखकर डरते रहते हैं, डरने में भी एक सुख होता है, उस सुख को फील करते रहते हैं, वो सुख नहीं मिल रहा होता है ना तो उनको मजा नहीं आता। जैसे हॉरर फिल्म देखने में जो मजा आता है ना कुछ लोगों को, वो सुख मिलता है, एक मजा आता है हॉरर फिल्म देखने में, वही मजा लोगों को न्यूज देखने में आने लगा है। तो न्यूज डायरेक्टर्स जो होते, न्यूज प्रोड्यूसर्स जो होते, इस तरह से न्यूज बनाते हैं कि आपको मजा आने लगे, डर लगे, वो डर की वजह से आप और न्यूज देखें। लोग अपने जीवन का बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम न्यूज देखने में, सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद करने में यूज कर देते हैं, क्योंकि उनको यह नहीं पता कि क्यों कमाना है पैसा, क्यों जाना है आगे। वो लोग बिजी अपने आप को बोल करके बहुत ज्यादा बड़ा महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, उनको लगता है कि हाँ मेरी वैल्यू बढ़ गई, मैं अपने आप को बिजी बोल रहा हूं, मगर रियलिटी बिल्कुल अलग है उससे।
रिसर्च बोलता है 80% टाइम एक आदमी अपने दिन का सिर्फ बिजी बोलने में टाइम बर्बाद कर देता है। बिजी बिजी बिजी, मैं बिजी हूं, क्योंकि आप जो सेट कर दिया है, कुछ लोगों ने पैटर्न सेट कर दिया है आपके, उस पैटर्न में आप ट्रैप्ड हो गए हैं, आप फंस चुके हैं उस पैटर्न में, और आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं पिछड़ जाऊंगा, पीछे रह जाऊंगा, इसलिए आप वो कर रहे होते हैं, वो फालतू के गाने सुन रहे होते हैं जिनको सुनने से आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। आप कहते हैं मैं फॉर द एंटरटेनमेंट कर रहा हूं यह काम, फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट कर रहा हूं। जो आप करते हैं जिससे आपका लक्ष्य पूरा होगा, वही आपका एंटरटेनमेंट होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए टाइम के वेस्टेज है। एंटरटेनमेंट आपको मूवीज में देखकर एंटरटेन हो रहे हैं, सॉन्ग सुनकर एंटरटेन हो रहे हैं, और यदि आप कॉमेडी सीरियल्स देख करके आपको मजा आता है तो आप अपने पाथ से डाइवर्ट हो चुके हैं। आपको यदि सक्सेस चाहिए, यदि आपको ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, तो आपको जो आपका लक्ष्य है उसको करते हुए, आपके ड्यूटीज जो है उसको करते हुए आपको एंटरटेन होना होगा, उसको करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, मेडिटेशन कीजिए, वॉकिंग कीजिए, घूमने के लिए जाइए बाहर, फिर आकर अपने काम में लग जाइए। मगर ये जो सिल्वर स्क्रीन है ना, पहले एक जमाने में टीवी को इडियट बॉक्स बोला जाता था, अब तो लोगों ने भी बोलना बंद कर दिया है क्योंकि वो अपने जीवन का पार्ट हो गया है। अभी मोबाइल का सिल्वर स्क्रीन आपको ब्लू स्क्रीन इस तरह से डेवलप किया गया, उसके स्क्रीन पर रेजोल्यूशन इतना बढ़ा दिया गया है, इतनी अच्छी क्वालिटी का कर दिया गया है कि आपको स्क्रीन पर भी चीजें देखने में मजा आने लगा है, इंजॉय करने लगे हैं। तो मैं रिसर्च बता रहा था कि 80% समय आदमी उस जो ट्रैप किया हुआ है, जो सेट किया हुआ है फ्रेम, उसमें फंसा हुआ है, और सिर्फ 20% समय आदमी प्रोडक्टिव क्रिएटिव न्यू अलग करना चाह रहा है, अलग कर रहा है। मगर लोग इस तरह की बातें भी मुझे, मैंने सुना है या बोल देते हैं कि सब कुछ तो हो गया, अब नया करने के लिए हमारे पास बचा ही क्या है, तो लोग एक जो किया हुआ है उसकी कॉपी करने में बिजी हैं, जो हो चुका है उसकी कॉपी करते रहते हैं। इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। यदि आप एक बुक में रिकमेंड करता हूं, आजकल मैं बुक रिकमेंड करने लगा हूं वीडियोस में, 0 to 1 बहुत अच्छी बुक है। यदि आपको ये ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट समझना हो, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट वर्टिकल डेवलपमेंट समझना हो, यह बुक को पढ़िए, मजा आ जाएगा बुक को पढ़ करके। 20% को बढ़ा के 80% पे ले जाइए, 80% को कम करके 0 पे लाइए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप व्हाई नहीं ढूंढ पाएंगे, और जब तक व्हाई नहीं ढूंढेंगे, हाउ तो मिलने से रहा। जीवन में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पावरफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बोलते हैं ना पैसा कोई बहुत मैटर नहीं करता मेरे लिए, वो लोग मेहनत करने से डरते हैं। उन लोगों ने कोशिश कर ली है मगर उनको सफलता मिली नहीं, और मिली नहीं तो उन्होंने मान लिया कि मिलेगी नहीं। जो करे उसको ये बताओ कि पैसा मोह माया है, पैसे से नुकसान होता है। अरे नहीं, पैसा ही सब कुछ है, पैसा आपको सब कुछ दिलवा सकता है, पैसा ही आपको सुख भी देगा, पैसा ही आपको सम्मान भी देगा, पैसा ही आपको पीस ऑफ माइंड देगा, पैसा ही आपको आगे बढ़ने की वजह देगा। आपको क्या लगता है टाटा बिरला बिल गेट्स और भी जो भी वर्ल्ड सो कॉल्ड टाइकून्स हैं, वो लोग पैसा आज क्या अपनी बेसिक नीड पूरा करने के लिए कमा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग पैसा कमा रहे हैं चैरिटी करने के लिए, दान करने के लिए, बड़ा बड़ा करने के लिए। आप भी खूब पैसा कमाइए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए और बन जाइए अमीर। अमीर बनना है जरूरी, और आपको भी अमीर होना बहुत जरूरी है यदि आप जीवन में ऊपर जाना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है ऊपर बढ़ने का। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।